कोरबा में नियमितीकरण की मांग को लेकर वन विभाग के लघु वनोपज यूनियन के कर्मी कर रहे धरना प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव से एक वर्ष पहले विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने में जुट गए हैं। कोरबा जिले में प्राथमिक लघु वनोपज प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों की हड़ताल से कई प्रकार के कार्य पर असर पड़ रहा है। कोरबा वन मंडल के अंतर्गत प्राथमिक लघु वनोपज यूनियन से जुड़े 38 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मौके पर उनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। कोरबा जिले सहित प्रदेश में ऐसे कर्मियों की संख्या 902 है। जिला यूनियन कोरबा के अध्यक्ष छोटेलाल कंवर ने बताया कि 34 वर्ष की लंबी सेवा के बावजूद उन्हें अब तक नियमित करने में सरकार ने रुचि नहीं ली है, इसलिए प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लघु वनोपज यूनियन से संबंधित कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग का मांग है नियमितीकरण। 34 वर्ष से हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं, इसमें तेंदुपत्ता तोड़ाई और बीमा। हम लोग 38 कर्मचारी हैं यहाँ कोरबा डिवीजन में, पूरे प्रदेश में 900 नियमितीकरण का मांग। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल। अभी हम लोग 38 प्रबंधक जिले में माने जिले में दो डिवीजन आता है, कटघोरा और कोरबा। हम कोरबा डिवीजन में 38 प्रबंधक। कटघोरा में 44 है। क्या मांगे आप लोग? हम लोगों का एक शासन का जो घोषणा पत्र में था नियमितीकरण। अब से हम लोग 34 वर्ष से अभी तक हमारा कुछ ने बहुत दिन से मांग करते रहे, एक तो हमारा जो है नियमितीकरण कोरबा में। अभी जैसे अभी तो बहुत प्रभावित होगा सर, अभी सामने में जस्ट अभी पत्ता टोड़ाई है, अभी वन धन का खरीदी हो रहा है, जैसे महुआ फूल का हो रहा है और जो ये बेलगुदा का हो रहा है, केवाट बीज का हो रहा है और तुलसी मतलब पलाव फूल का पूरा समूह जितना भी जो खरीदी होता है वो खरीदी नहीं हो पा रहा है। इससे पहले वन विभाग और मनरेगा के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा कई मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया गया है, जिस पर अब तक किसी प्रकार के नतीजे नहीं आ सके हैं। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।